कैसे दोस्तों, मैं विशाल सिंह गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि आज हम कुछ नया करने वाले हैं, और वो नया क्या है, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ही बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन से मुलाकात करूंगा जिनकी कंपनी का नाम है पार्थ ऑर्नामेंट प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने बहुत ही कम टाइम के अंदर एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी ब्रांड बनाई जो आज पूरे इंडिया के अंदर धूम मचा रही है, जिसका नाम है सियाजा। तो मिलते हैं आज पार्थ ऑर्नामेंट प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर मिस्टर विपुल भुआ को। प्लीज सर, हार्दिक स्वागत है आपका। थैंक यू। और आज आपने हमारे लिए बहुत अच्छा समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सबसे पहले आपके जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। एक्चुअली मैंने 2002 में पार्थ ऑर्नामेंट्स प्राइवेट कर पार्थ सिल्वर करके एक सिल्वर का होलसेल बिजनेस स्टार्ट किया था। ओके। 2002 में। ग्रेट। फिर हमने 2007 में गोल्ड का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। ओके। तीन चार कारीगर थे हमारे पास में। बढ़िया। और एक छोटी सी एक बाड़ा किराए की जगह ली और हमने एक स्टार्ट किया मैन्युफैक्चरिंग का काम। राइट। बराबर है। तभी हम पर्टिकुलरली ट्रेडिशनल ज्वेलरी बना रहे थे। ओके। जो प्रॉपर गुजराती लोगों को पसंद आए, मतलब सौराष्ट्र गुजरात के ही क्लाइंट बेस थे हमारे। राइट। फिर हमने 2017, दो साल हुआ अभी, दो साल पहले हमने एक ब्रांड बनाई सियाजा। ओके। और हमने रोज गोल्ड ज्वेलरी की एक ब्रांड बना के रोज गोल्ड ज्वेलरी बनाने का स्टार्ट किया। ओके। तभी मार्केट थोड़ा स्टार्ट हो रहा था रोज गोल्ड का, तभी इतना क्रेज नहीं था। ओके। और हमने सोचा कुछ मार्केट को अपने को नया देने का है। बढ़िया। और इस टाइप ये थॉट को लेकर हमने सियाजा ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्ट किया। right. जो अपना रूटीन ट्रेडिशनल तो चल ही रहा था, फिर ये रोज गोल्ड का स्टार्ट किया। ओके। okay. okay. पर उस पे हमारा थोड़ा फोकस इस टाइप का था कि हमने अपने को नेक्स्ट टू डायमंड ज्वेलरी। ओके। ओके। बराबर है। और हमारा सीजेड ज्वेलरी का काम है, गोल्ड विद सीजेड ज्वेलरी। राइट। तो हमारा जो ग्रेड फिनिशिंग डिजाइनिंग सब नेक्स्ट टू डायमंड ज्वेलरी देने का हमारा एक तय हुआ कि अपने को ये ग्रेड का काम करने का है। ओके। और हमने ब्रांड बनाई और प्रोडक्शन स्टार्ट किया। बढ़िया। और अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। बढ़िया सर, आपकी इस जर्नी के अंदर आपको कौन कौन से चैलेंजेस ऐसे आए इस बिजनेस को खड़ा करने के? एक्चुअली क्या, हम एकदम छोटा परिवार से आते थे, तो पहले तो चैलेंजेस ये था कि अपने पास फंड नहीं था। right. पहली बात तो। right. दूसरी बात, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं था कि जो प्लेटफॉर्म आगे बढ़ सके। बढ़िया। तो और तीसरी बात, मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर भी बहुत बड़े होते हैं। mm-hmm. जिनके आगे हमारा स्केल एकदम छोटा रहता है। right. और उसको बीट करना होता है। सही है, सही है। बराबर है। तो उसको भी ये सब बड़े चैलेंजेस थे। राइट राइट। हमारी राइट, राइट, जो जर्नी में। फिर दूसरा एक चैलेंज ये भी था कि अपने को मैन पावर से काम लेने का था, वर्कर लोगों से काम करने का था, लेने का था। राइट। वो थोड़ा अनएजुकेटेड होते हैं। सही। तो उसके पास से भी काम निकालने का। राइट राइट। और ये हमारा जो बिजनेस है ना, वो थोड़ा सीजन पीरियड बिजनेस है। अच्छा। कि वो सीजन टाइम में काफी रश रहता है, काफी ऑर्डर्स रहते हैं, डाउन सीजन में थोड़ा स्लो रहता है। राइट। तो वो भी मेंटेन करने का था। सही है। तो ये सब चैलेंजेस थे। ओके ओके। तो ये सारे चैलेंजेस कैसे, आपने क्या क्या चीजें ऐसे स्टेप्स लिए जिससे आप ये चैलेंजेस से बाहर आए और इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करने में आपको? पहले तो क्या था कि हम एक क्लियर मानते हैं कि चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे। सही। चाहे मैं, ये तो आप मेरी बिजनेस की सोच रहे हैं, आप किसी का भी बिजनेस की सोचोगे तो हर बिजनेस में चैलेंज आते ही रहते हैं। सही। आपका मैनेजमेंट तभी दिखता है कि आप कौन सा चैलेंज में क्या रास्ता निकाल सकते हैं। ओके ओके ओके। बराबर है। राइट। सपोज एक एग्जांपल दूं, मेरे पास फंड नहीं था। तभी मार्केट सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे को क्रेडिट पे माल मिलता था और क्रेडिट पे मैं बेच सकता था। राइट। तो मैंने बहुत सारा मार्केट में से क्रेडिट लेके क्रेडिट बेच दिया। ओके। एक बार रोटेशन घुमा लिया। ओके। और तीन चार साल में ऐसा रोटेशन घुमा लिया ना, तो अपना एक फंड क्रिएट हुआ। अच्छा, बराबर। फिर वो फंड को हमने कैसे, अपने को कैसे यूटिलाइज करना, मतलब देसी तरीका हमने अपनाया कि लोगों से रिलेशन बनाया। हाँ। और रिलेशन से हमने माल लेके लोगों को हमने बेचा और वहां से जो मुनाफा आया उस मुनाफे को हमने अपना कैपिटल बनाया। बराबर बराबर। क्योंकि एक छोटी सी कैपिटल लेके स्टार्ट किया था। ओके। तो ये सिस्टम किया।
फिर कुछ रिलेटिव्स का भी सपोर्ट था, फिर जो फंड आता था ना उसको हम फास्ट कैसे मूव कर सकते, कैसे घुमा सकते हैं। ओके, बराबर है। समझ लो कि आज सुबह में मेरे पास जो भी गोल्ड आया, सिल्वर आया, मेटल आया, उसको रात तक तो उसका कास्टिंग होके हमारा प्रोडक्शन पे लग जाता था। ओके ओके, उसके ऊपर मैन पावर काम करने लगते थे। बराबर बराबर है। ये रोटेशन थोड़ा सेट किया, मतलब जो जिस टाइप का अपनी वर्किंग पैटर्न है ना, वो वर्किंग पैटर्न में हम क्या बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं उसके ऊपर फोकस किया। आपका कहने का मतलब है कि आपके पास मेटल हो या आपके पास कैश हो, दोनों आपके पास पड़े नहीं होने चाहिए, वो काम करते होंगे। यस, उसको उसका रोटेशन फास्ट कर सकते हैं। राइट सर, आपके सियाजा ब्रांड के बारे में बताइए, सियाजा ब्रांड है क्या और इसकी क्या खासियत है? एक्चुअली हमारा जो सियाजा ब्रांड है ना, उसमें स्पेशल जो बात है ना, वो है हमारा डिजाइनिंग और हमारा फिनिशिंग। ओके, आप पूरे इंडिया में घूमोगे, रोज गोल्ड ज्वेलरी का किधर भी माल लेने आप जाओगे, तो जो हमारी प्रोडक्ट है, हमारी जो डिजाइनिंग है, हमारा जो फिनिशिंग है, उसका कंपैरेटिव माल पूरे इंडिया में बहुत कम मिलेगा आपको। अच्छा, बराबर है। तो वन एंड वन ऑप्शन है हमारा कि हम जो जो रेट में माल बेच रहे हैं, जो रेट में मार्केट को हम ये फिनिशिंग वाला माल दे रहे हैं। ओके ओके ओके, बराबर है। समझ लो कि डायमंड ज्वेलरी है, तो करीबन होलसेल रेट में बता रहा हूँ आपको, 450-500-600 रुपया पर ग्राम ज्वेलरी बिक रही है। ओके, और हमारा जो रेट है तो हमारा फिनिशिंग 19-20 है, पर रेट में काफी सारा फर्क है। ओके, तो ये हमारी स्पेशलिटी है मार्केट में। ओके, कि हम जो रेट में जो फिनिशिंग दे रहे हैं, जो डिजाइनिंग दे रहे हैं ना, वो सबसे हमारी स्पेशलिटी है। बढ़िया, तो इसलिए ब्रांड आपकी इसीलिए लोगों को अपनी ब्रांड में इंटरेस्ट है, अपने प्रोडक्ट देख के वो उसको मुंह में से वाव निकलता है। राइट राइट राइट। और दूसरी सर, आज मार्केट में बहुत सारे ज्वेलरी का बिजनेस लोग कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आने वाला भविष्य ज्वेलरी का बहुत अंधकार में है, बहुत सारी चीजों को क्लियर नहीं हो रही है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली ज्वेलरी है ना, वो सिर्फ इंडिया में बिजनेस नहीं है, इमोशन के साथ जुड़ी हुई है। सही, राइट। तो इंडिया में ज्वेलरी का बिजनेस नहीं होना, वो इतना मेरे को वो नहीं लग रहा है। अच्छा, और पर सिनेरियो ये बन रहा है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो बचेंगे, जो अनऑर्गेनाइज लोग है, हमारे इंडस्ट्री में ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सही बात। तो जो अनऑर्गेनाइज है ना, उसको उसका अस्तित्व टिकाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को भी। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, उसके पास व्यापार है, काफी सारा व्यापार है। तो सर, जो ये अनऑर्गेनाइज लोग हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हम तो पहले से एक ही बात बोल रहे हैं, हमारे स्टाफ को भी बोल रहे हैं, सबको भी बोल रहे हैं कि आपको बिजनेस पे आगे बढ़ना है तो आपको सिस्टम डालना पड़ेगा। सही बात। आपको क्वालिटी देना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी मार्केट में क्वालिटी का जमाना है, सस्ते का जमाना गया। सही है। आप बोलोगे कि आप कचरा माल बनाऊंगा और सस्ता दूंगा, तो वो बात नहीं है। अभी मार्केट में क्वालिटी का जमाना है। बराबर है। इसका बेस्ट एग्जांपल है टाटा नैनो। सही बात है। रतन जी का सपना बहुत अच्छा था, पर मार्केट सिनेरियो इस टाइप का है, लोगों को अच्छी प्रोडक्ट चाहिए। सही है। कॉस्ट चलेगी, पैसा देंगे, पर अच्छी प्रोडक्ट चाहिए। सही है। तो आपको आपकी प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। बिल्कुल। आपको सिस्टम पे चलना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर आपको गवर्नमेंट की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, पॉलिसी है, वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। Okay. और वो एक्सेप्ट करके आपको बिजनेस का आपका रास्ता चूज करना पड़ेगा। Right. और कस्टमर को आपको सर्विस देनी पड़ेगी। सही। बहुत सारा कंपटीशन का टाइम है अभी। दूसरा अभी सिचुएशन भी बदल रहा है कि कस्टमर ओनली फॉर आपके पास बाइंग करने आएंगे तो बहुत सारे पैरामीटर्स से काम होएगा। right. आपको उसको सर्विस देना पड़ेगा, वेल और एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, कमिटमेंट फॉलो करना पड़ेगा, आपने जो बोला है वो फॉलो करना पड़ेगा। सही। आप एथिकल बिजनेस करना पड़ेगा, आप जो बोलोगे ना तो आपका एक सिक्का लगेगा, नहीं आपने बोला है तो ये है ही। राइट राइट। बराबर है। तो ये सब टॉपिक्स के ऊपर जो भी छोटे ऑर्गेनाइजेशन के है, वो ये एथिक्स लाएंगे ना, तो खुद ब खुद अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं।
सर आपकी इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है लोगों से काम करवाना, तो वो आप कैसे अपने लोगों से काम करवाते हैं और बाकी लोगों को ये चैलेंजेस आ रही है तो उनमें क्या आपने ऐसा यूनिक किया हुआ है? एक्चुअली हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम है कि किसी को भी उसका सामान तोड़ के काम नहीं करवाने का है। अच्छा, सबको सम्मान देने का है। ओके, चाहे कारीगर भी हो, चाहे हमारे प्यून भी हो, और चाहे डायरेक्टर भी हो, मैनेजर हो या एमडी हो, ओके, सभी को एक सम्मान देके काम करना है। ओके, फिर सभी को एक मोटिवेट करके काम करते हैं हम लोग। राइट राइट, कि आपको ऑर्गेनाइजेशन पे का रहने का है, काम करने का है, तो आपको ये ऑर्गेनाइजेशन खुद का लगना चाहिए। राइट, आपको इधर आके मजा आना चाहिए। ओके, मतलब एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना, हेल्दी एनवायरनमेंट पर काम करो। यदि आपको लग रहा है कि मेरे को इधर नहीं जम रहा है तो आप कंटिन्यू मत करो। सही, जिन लोगों को माइंड पे इतना पॉजिटिव होके ही काम करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन पे, बराबर, मतलब कि ये एनवायरनमेंट हम खड़ा करने की कोशिश करते हैं। मतलब एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है आपकी टीम के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, रिजल्ट लाने के लिए। कुछ आप मार्केट लीडर हो तो मार्केट लीडर को क्या नए चैलेंजेस फर्स्ट उसके पास आते हैं। बिल्कुल, बाकी और लोगों के पास उसका सॉल्यूशन मिलता है डायरेक्ट, अपने पास डायरेक्ट चैलेंजेस आते हैं। बिल्कुल, तो जो भी चैलेंजेस आएगा ना उसका सॉल्यूशन आपकी टीम जो पूरी पॉजिटिव होनी चाहिए, एनर्जेटिक होनी चाहिए, तभी जाके हम कोई भी चैलेंज है ना वो हम अचीव कर सकते हैं, वो हम क्लियर सॉल्व कर सकते हैं। हमारी टीम का पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको लेके सर, ज्वेलरी जैसे आज मार्केट के अंदर आज बहुत सारे लोग नेगेटिव हो रहे हैं, आपके क्या फ्यूचर प्लान है आपकी कंपनी को लेके? हम तो इस बिजनेस को लेके बहुत पॉजिटिव है। हमारा 2 साल से जो सियाजा प्रोडक्ट चल रही है, फिर हमारी जो ट्रेडिशनल, मैंने पहले बोला वो जो हमारी ज्वेलरी थी उसको हमने अपडेट करके एक नया ब्रांड लॉन्च किया, वो वियाना है। उस पे हम येलो गोल्ड की ज्वेलरी बना रहे हैं। ओके, फिर हमारा अभी रिसेंटली एक तीसरा ब्रांड आ रहा है कोजा करके। ओके, वो कोजा में हम थोड़ा मशीनिंग के ऊपर फोकस किया है हमने। ओके, जो सीएनसी और लेजर कटिंग की ज्वेलरी है वो हम कोजा में बना रहे हैं। ओके, और हमको तो लग रहा है कि बिजनेस होएगा ही, मिलेगा ही, जो मार्केट की नीड है वो हम दे सकेंगे और मार्केट में एक स्टेप एडवांस कुछ हम सप्लाई कर सकते हैं, हमारी प्रोडक्ट बना सकते हैं। right. तो आज ज्वेलरी का बिजनेस तो चलने वाला है। बिल्कुल, बराबर है। आपको तय करने का है कि मार्केट साइज जो है उसमें से आप कितना वॉल्यूम निकाल सकते हो, बस। ओके, राइट। पर आपके हिसाब से सर, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि आपकी कंपनी लॉन्ग टाइम तक रन करे या बड़ा बिजनेस बनाने के लिए ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है? एक तो हम एथिकली बिजनेस करते हैं सबसे पहले। ओके, अनएथिकली बिजनेस नहीं करते हैं। ग्रेट, बढ़िया, बराबर है। दूसरा, हमारे ही थॉट पे कस्टमर, चाहे कैसा भी कस्टमर हो, वो हमारी प्रायोरिटी में रहता है। ओके, मतलब कस्टमर की प्रायोरिटी, कस्टमर हमारी प्रायोरिटी में रहता है। ओके, सेकंड प्रायोरिटी रहती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी स्टाफ है, हमारे जो एम्प्लॉय है, वो भी हमारे एक पार्ट ही है। right. उसको भी हम प्रायोरिटी में लेके काम करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ओनली फॉर प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट ही प्रायोरिटी में नहीं है। ओके, ऊपर और नीचे की दोनों चैनल को प्रायोरिटी में रख के फिर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। right. तभी जाके हम पूरा ये एनवायरनमेंट खड़ा कर सकते हैं। जैसे सर, एक प्रॉफिट लाइफ साइकिल होता है कि जहाँ पे हम पहले अपने टीम को, अपने कस्टमर को प्रॉफिट देते हैं और बाद में हम प्रॉफिट लेते हैं, और आप भी उसी सिद्धांत के ऊपर चल रहे हैं। और जिन लोगों ने ये सिद्धांत तोड़ा हुआ है कि पहला खुद का देखते हैं और बाद में वो लोगों का देखते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं नुकसान होता है। सर, आज के जो बिजनेसमैन हैं, जो लोग भी आज बड़ा बड़ा बिजनेस करने की आज वो सोच रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह होनी चाहिए? सर, मैं हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो करना जरूरी है बड़ा बिजनेस बनाने के लिए? पहले तो है ना, एक्चुअली बड़ा बिजनेस बनाने के लिए सिंपल एक बात है, आपको ऑर्गेनाइज होना ही पड़ेगा। आपको आपका ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम डालना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आपको खुद को पॉजिटिव होना पड़ेगा। right. पॉजिटिव एनर्जी के साथ, अरे यार 7 बज गया, शाम का 8 बज गया, टाइम हो गया, एक वर्किंग इतना इतना आपको कॉन्सेंट्रेट करके फिर काम करना रहेगा। ये आप कर सकते हो, आप खुद और आपकी टीम में। राइट right.
तो भी जाके आप रिजल्ट ला सकते हो। सर इतनी आपके जर्नी के दरमियान ऐसी कोई तीन लेसन आप हमें बता सकते हैं जो आपके जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं, जो जिससे लोगों को भी सीख लेनी चाहिए? एक तो पहले हमारी सोच थोड़ी नैरो सोच थी कि हम गुजरात बेस्ड ज्वेलरी बना रहे थे। ओके, राइट। जब हमने एक ऐसा थॉट किया, ऐसा सोचा कि अपने को पूरा इंडिया की हर एक पब्लिक को टारगेट करके जो ज्वेलरी बनाई, राइट, मतलब आपका थॉट जब चेंज हुआ ना, जब विचार आप बड़े हुए ना, राइट, उसके बाद की जो प्रोसेस है ना वो बहुत बड़ी बात रहती है। मतलब तो आपको सोचना पूरा विजन, लॉन्ग विजन के साथ सोचना पड़ेगा। मतलब बड़ा बिजनेस बनाने के लिए सबसे पहली चीज सोच आती है, आपकी सोच बहुत काम करती है, बहुत मायने रखती है कि आप क्या सोच रहे हो। बराबर। और इसके अलावा और क्या चीजें जरूरी है? इसके अलावा पहले हमारा थोड़ा छोटा ऑर्गेनाइजेशन था ना, तब हमने सिस्टम नहीं डाल रहे थे, इतना परफेक्ट सिस्टम नहीं था हमारा। फिर जब हमने ये सिस्टम डाला, सिस्टम डालने के बाद हमारा जो टर्नओवर रेशियो था, जो हमारा जो हेडेक था, जो हमारे हेड्स थे सभी लोगों को, उसको भी इतना जिम्मेदारी थी ना, वो सब पार्ट हो गया। मतलब सिस्टम डालने से बाद, सिस्टम डालने के बाद तो सिस्टम का बहुत बड़ा फायदा है, तो वो आपको डालना ही पड़ेगा। एक आपकी बड़ी सोच और दूसरी आपकी कंपनी के अंदर सिस्टम होना जरूरी है, और तीसरी ऐसी कौन सी चीज जो जरूरी है बिजनेस को बड़ा करने के लिए? जो मैंने दूसरा बोला कि एक तो आपकी एथिकल बिजनेस, जो आपकी नीति, कि आपको आपका जो नीति है कि भाई अपने को अपना, हमारा जो कस्टमर है ना, हम तो ये सोचते हैं, हम ये बोलते हैं कि हमारी प्रोडक्ट कोई भी लेके गया एंड यूजर, समझ लो उसका एक पेंडेंट सेट है, 30-40 ग्राम 30-40 हजार की प्रोडक्ट है, तो वो 30-40 हजार बंदा पे कर रहा है, तो उसका उसको रिवर्ट मिलना चाहिए। मतलब एथिक होना बहुत जरूरी है बिजनेस के अंदर। यस, हमारा कस्टमर जो हमसे जुड़ा है उसकी बैलेंस शीट पे रिजल्ट आना चाहिए। ग्रेट। हमारा जो एम्प्लॉय है वो एकदम वेल गुड लाइफ, वो अच्छी जिंदगी वो जी सके, वो जी सके, उस टाइप का एनवायरनमेंट खड़ा करके हम ऑर्गेनाइज अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं ना, राइट, तो फिर बट ऑब्वियस हमारा रिजल्ट आता है। ग्रेट सर, बहुत अच्छा। और जैसे कि विपुल सर ने बताया कि जिंदगी में बड़ा बिजनेस बनाने के लिए हमें तीन चीजें ध्यान रखनी जरूरी है। पहली कि सोच बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि छोटी सोच के साथ हम बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते हैं। दूसरी चीज जैसे सर ने बताई कि हम सिस्टम के साथ में काम करें, बिना सिस्टम के हम बहुत बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते। और तीसरी चीज जो बताई, एथिक, आपके कस्टमर अगर आपको पैसा दे रहे हैं तो उसका उनको वर्थवाइल वैल्यू मिलना चाहिए। तो ये बहुत तीन चीजें ऐसी जो हमें लगी, जो सर ने बताई अपनी जिंदगी के अंदर उन्होंने सीखा और वही करके आज वो इतना बड़ा बिजनेस बना रहे हैं। सर क्या आज मैं जान सकता हूँ कि आज हमारा बिजनेस कितना बड़ा है? आज हमारा इंडिया के कई स्टेट में हमारा डीलर्स है, राइट, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, गुजरात में तो है ही, राइट, और कई जगह पर हमारा ब्रांड से माल बिक रहा है, राइट, कई लोग मांग रहे हैं कि अपने को सियाजा की ज्वेलरी चाहिए, राइट, राइट, वो एक ब्रांड हमारा जैसे क्रिएट हुआ है, बिल्कुल, वे उस हिसाब से हमारा डीलर्स को भी सामने इतना मार्केटिंग नहीं करना पड़ता है, ओके, ओके, वो एक ब्रांड के तौर पे व्यापार कर रहे हैं, ग्रेट, और काफी इंडिया में कई सारे जो ज्वेलर्स हैं जो हमारी ब्रांड से अवेयर है, राइट, और हमारी प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं। ग्रेट, बढ़िया। सो बहुत बढ़िया सर, ये थे पार्थ ऑर्नामेंट प्राइवेट लिमिटेड से विपुल बुआ जी, जिन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई कि आज हमें बिजनेस को बड़ा करने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सर की ज़िंदगी से हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर हम अपने बिजनेस को एक बहुत बड़ा एम्पायर में खड़ा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत अच्छा और बहुत कीमती टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। एंड आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि ज़रूर इस वीडियो को देखिए और सर की ज़िंदगी से आप लर्निंग लेकर आप अपने बिजनेस को बड़ा कीजिए। और ज़रूर आप कमेंट में लिखिए कि सर की पूरी स्टोरी से आपने क्या सीखा और क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।